आप सभी गुरु भाई बहन गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। मैं धीरज, मैं आप लोगों के बीच आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ जी दोस्तों, आ गया मुख्यालय से साहब श्री हरदयानंद जी के संदेश। जी हाँ जी दोस्तों, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तो ही आप लोग को समझ आने वाले हैं इस कोरोना काल में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चर्चा करना है या नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। साहब श्री की यही पोस्ट को 31/3/2021 को साहब श्री के पेज पे अपलोड किया गया था। साहब मैं उसका वीडियो बनाकर डाला था। जी हाँ जी दोस्तों, तो वही पोस्ट को साहब रिटर्न फिर से अपलोड किए हैं और हम लोगों के बीच में कुछ बताने की कोशिश की है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तो ये आप लोग को समझ आने वाली है। तो चलिए वीडियो को और जाएंगे, उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मुख्यालय से आए हुए इस सूचना को सभी गुरु भाई और गुरु बहनों तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को और चलते हैं। महत्वपूर्ण सूचना। गत वर्ष कोरोना वायरस के कारण शिव चर्चा स्थगित की गई थी, परंतु पुनः वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यालय को यह प्रतीत होता है कि आप सभी के स्वास्थ्य के सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए फिर से सभी तरह की शिव चर्चा को कुछ समय के लिए विराम देने की आवश्यकता है। यानी अगले वर्ष कोरोना महामारी के कारण शिव चर्चा को बंद की गई थी, उसी तरह अभी भी हमारे बीच वही फिर से कोरोना का महामारी बढ़ रहा है। इसीलिए साहब श्री हरदयानंद जी हम लोगों से बोले हैं कि इस बीमारी को देखते हुए हम सभी के सुरक्षा के लिए कुछ समय के लिए शिव चर्चा को विराम दी जाएगी। और क्या है, आगे कर चलते हैं। सभी तरह की शिव चर्चा यथा साप्ताहिक, मासिक, फटाफट या किसी भी तरह की शिव चर्चा दिनांक 30/4/2021 तक, यानी पूरे अप्रैल तक, पूरे अप्रैल माह तक सभी जगह देश और विदेश स्थगित रहेगी। यानी हमारे बीच जो शिव चर्चा है साप्ताहिक, मासिक, फटाफट, किसी भी तरह की शिव चर्चा, सभी शिव चर्चा को 30/4/2021 यानी अप्रैल अगले माह, यानी आज से ही शिव चर्चा को बंद किया जा रहा है। अगले 30 तारीख तक यानी पूरे अप्रैल शिव चर्चा बंद रहेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि शिव चर्चा को आप नहीं करें पूरे अप्रैल तक, कहे कि आज से ही शिव चर्चा बंद किया गया है। तो चलिए और क्या है, आगे और चलते हैं। अगर आप चाहें तो अपने घर वालों के साथ अपने घर में शिव चर्चा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने घर वालों के साथ ही, यानी अपने पूरे परिवार के ही साथ आप शिव चर्चा घर में कर सकते हैं, ना कि मंदिर चौराहे चाहे कोई भप्पा चाहे बाजा लगाकर, ऐसा नहीं कर रहे। अपने घरों में ही आप चर्चा, अपने जो अपने सुरक्षित के लिए मास्क जो होता है सरकार के दिया गया है मास्क, वो आप उसे लगाकर अपने घर में ही शिव चर्चा कर सकते हैं। और क्या है, आगे और चलते हैं। या सोशल मीडिया पर रात्रि 8 बजे तक शिव चर्चा कर सकते हैं। जैसे हमारी YouTube चैनल है, हम YouTube चैनल से वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं, हम उसी प्रकार रात्रि 8 बजे के अंदर हम शिव चर्चा सभी गुरु भाई गुरु बहनों के बीच कर सकते हैं। और क्या है, आगे और चलते हैं। यह भी पाया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक या सोशल मीडिया में कुछ शिव शिष्या भ्रामक चीजें पोस्ट करते हैं। यानी ऐसा भी देखा जा रहा है कि कुछ शिव शिष्या फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसी चीज, जो चीज़ नहीं डालना चाहिए वैसे चीज़ वो डाल रहे हैं और शिव शिष्याओं को भड़का रहे हैं। जैसे सपोर्ट के लिए अभी चर्चा नहीं होता है पर ऐसा वीडियो मतलब डालते हैं, चर्चा करते हुए वीडियो डालते हैं, सभी लोग सोचते हैं अरे भाई तो चर्चा हो ही रहा है तो हम क्यों रुके, हम भी चर्चा करते हैं। तो साहब का आदेश नहीं है चर्चा करने के, पर कुछ ऐसे शिव शिष्याएँ हैं जो चर्चा करके अपने यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के बीच देते हैं और वो लोग को मतलब कि भड़का रहे हैं। तो ऐसे आदमी पे क्या करना चाहिए, साहब खुद बोले हैं, आगे और चलते हैं। साथ ही बहुत सारे जगहों पर यह पाया गया है कि कुछ यथाकथित लोग शिव चर्चा के नाम पर शिव शिष्याओं को भ्रमित करके चंदा इकट्ठा करते हैं और भीड़ भी इकट्ठा करते हैं। यानी वैसे व्यक्ति भी कुछ हैं जो शिव चर्चा के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं कि 2 तारीख को वहाँ पे चर्चा है। ऐसे लोग भी कुछ हैं जो कि सभी आदमी से चंदा लिया जा रहा है, जो कि शिव चर्चा को बदनाम किया जा रहा है, जो कि ऐसा कोई भी अभी साहब आदेश नहीं दिए कि चंदा लेना शिव चर्चा में अनिवार्य है, नहीं, शिव चर्चा में अनिवार्य नहीं है चंदा लेना। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भी आते हैं चंदा मांगते हैं शिव चर्चा के नाम पर, वैसे व्यक्ति को शिव चर्चा के नाम पर चंदा नहीं दें।
जी हाँ जी दोस्तों, जो चंदा देते हैं उसके सजा की भागीदारी आप लोग भी बन सकते हैं। इसीलिए चंदा नहीं दें और उस आदमी का फोटो लेकर उस आदमी को समझाएं कि भाई शिव चर्चा को बंद किया गया है और आप गुरु भाई चाहे गुरु बहना आप नहीं हैं, आपके खिलाफ क्लेम कर सकते हैं हम पुलिस में। आप नहीं तो चंदा मांगना छोड़ दीजिए शिव चर्चा के नाम पे, आपको चंदा ही मांगना है तो भाई शिव चर्चा को सहारा मत लो, उन पे आप डट के उससे बोलिए और उससे चंदा लेने से मना कीजिए और चंदा मांगने से मना कीजिए। इस व्यक्ति को क्या किया जाएगा और उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी आगे को और देखिए। वैसे लोग सावधान हो जाएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। यानी वैसे लोग को साहब श्री बोले हैं, वैसे लोग सावधान हो जाएं अन्यथा आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ जी दोस्तों, तो इसे लोग को सावधान करें और उनसे बोलें कि आप पे कानूनी कार्रवाई भैया हो सकता है, नहीं तो आप शिव चर्चा के नाम पे चंदा लेना बंद कीजिए। और क्या है आगे और चलते हैं। आपसे आग्रह है कि सरकार द्वारा प्राप्त सोशल मीडिया के उपयोग एवं कोरोना से बचाव के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के भागीदारी बनेंगे। यानी हमारे साहब बाबू बोले हैं सरकार द्वारा जितने भी निर्देश दिया गया है उन सभी निर्देशों का पालन करना हम सभी का करना अनिवार्य है। जी हाँ जी दोस्तों, हम सभी को हमेशा मास्क लगाना चाहिए, यानी हम सभी को सरकार के दिया गया निर्देश का पालन करना चाहिए, सरकार जो कहते हैं उसे करना चाहिए। हम सभी की थोड़ी सी गलती के कारण हमारा शिव शिष्या परिवार बदनाम हो सकता है, तो जैसा साहब बोले सरकार बोलते हैं वैसा ही हम लोगों को करना है, क्योंकि सरकार का पालन हमारे साहब बाबू भी करते हैं तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि जैसा साहब बाबू करते हैं वैसा करें। और क्या है आगे को चलते हैं। साहब श्री हरिदनानंद जी का स्वास्थ्य अच्छा है और वे भी कोरोना से बचाव हेतु सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। यानी सरकार के दिया गया जितने भी हमने बोले हैं, आप मैंने इससे दो लाइन पहले बोला हूँ, मैं अभी ही बोला था कि सरकार के दिए गए सभी निर्देशों का पालन हमारे साहब बाबू करते हैं, और इसमें भी लिखा हुआ है कि सरकार के दिए गए जितने भी निर्देश सभी का पालन हमारे साहब बाबू करते हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसा पालन हम करते हैं आप लोग भी वैसा पालन करें। और क्या है आगे और चलते हैं। और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सुरक्षित रहें। और हमारे साहब बाबू बोले हैं कि आपसे भी अनुरोध करते हैं आप भी स्वस्थ रहें क्योंकि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हाँ जी दोस्तों, हमारे साहब बाबू का इतना ही सूचनाएं थे और हमसे इतना रिक्वेस्ट करके बोले हैं। अभी ही कुछ देर पहले ये मैसेज साहब श्री हरिदनानंद जी के फेसबुक पेज के माध्यम से आए थे, मैंने आप लोगों के बीच पढ़कर और बोलकर बता दिया हूँ। और थोड़ी सी है, अर्चित आनंद निजी सचिव साहब श्री हरिदनानंद जी रांची झारखंड। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो आप लोगों को कमेंट करें, और क्या आप लोग भी पालन करते हैं हमारे साहब बाबू का हर एक बातों को, तो एक बात का और ध्यान रखें क्योंकि शिव चर्चा आज से ही बंद किया गया है 23 अप्रैल तक बंद किया गया, तो आप लोग जरूर इस साहब के दिए गए निर्देशों का पालन करें, अन्यथा आप लोग हम लोग भी कानूनी कार्रवाई, वैसे लोग जो पालन नहीं करेंगे वैसे लोग पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो संभल जाएं भैया लोग, शिव चर्चा बंद हो गया है। अगर शिव चर्चा ही करना है तो अपने परिवार में शिव चर्चा कीजिए, ठीक है। और अगर लोगों के बीच करना चाहते हैं तो दिन भर पूरा खाली है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप चर्चा कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से चर्चा हमेशा करता हूँ, चर्चा वीडियो हमेशा डालता हूँ, तो आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, अपने जिज्ञासाओं का हल पा सकते हैं। हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का जवाब देंगे। जो भी आपका जिज्ञासा होगी उस जिज्ञासा को हमसे नहीं होता है, उससे अपने बड़े गुरु भाई से आपका जिज्ञासा का हल जरूर करवाएंगे, जहाँ तक हो जाए आपका जो भी जिज्ञासा रहेंगे उस सभी जिज्ञासा का हल वीडियो के माध्यम से बनाकर हमेशा किया करूँगा। तो आप लोग इसी चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी गुरु भाई गुरु बहना तक इस संदेश साहब का पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मैं आप लोगों का छोटा भाई डीके हिंदुस्तानी, आप सभी को मेरा प्रणाम। आओ चले मिलकर हम, आओ चले मिलकर हम, चले शिव के और हो साहब हरिंदर बाबू के यही बोल हो साहब हरिंदर बाबू के यही बोल हो साहब हरिंदर बाबू। आओ चले मिलकर हम, आओ चले मिलकर हम, चले शिव के